आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी, सिर्फ एक चम्मच तेल में बनने वाली चटपटी, मसालेदार, बेहिसाब स्वाद इडली की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और बनाना बहुत ही आसान है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम जी, बेस्ट कुक विद आहित में आपका स्वागत है। जो भी हमारे नए व्यूअर्स है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, इसमें लेंगे 750 ग्राम सूजी। अब ये जो सूजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो ये बारीक वाली सूजी, जो मोटी है वो हमें नहीं लेना। अगर आपके पास में मोटी हो तो उसे मिक्सर में ग्राइंड कर लें। इस टाइम पे डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, जो भी हमें टेस्ट जिस हिसाब से हमें चाहिए उस हिसाब से नमक। फिलहाल हम 1 टीस्पून नमक लेंगे। 1 टेबलस्पून भर के चीनी लेंगे। चीनी को पीसना वगैरह नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही चीनी ले लेंगे। अब यहाँ पर लेंगे 200 ग्राम कर्ड, खट्टे वाला दही लेंगे हम 200 ग्राम। अगर होममेड हो तो इसे खट्टा कर ले, और ना हो तो खट्टे वाला भी मिलता है वो लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 2 से 3 कप वाटर। तो यहाँ पर हम आपको एग्जैक्ट वाटर का रेशियो नहीं बताएंगे। कहीं की सूजी थोड़ी सी मीडियम फाइन होती है, कहीं की एकदम ज़्यादा फाइन, उस हिसाब से आपको जो वाटर का कंटेंट है तो उस हिसाब से आपको सेट करना है। इस टाइम पे हम क्या करेंगे, 2 कप भर के डालेंगे वाटर। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून भर के साइट्रिक एसिड, जो नींबू सत होता है ना, और इसमें जो काले काले दाने हैं ना, तो ये अजवाइन के दाने हैं, ऐसी कोई चीज़ कचरा वगैरह नहीं है। यहाँ पर 1 कप भर के और हम वाटर लेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो लगभग यहाँ पर 4 से 4.5 कप भर कर हमें पानी हमने यूज़ किया है, क्योंकि हम जो इडली है थोड़ी ज़्यादा बना रहे हैं ना, तो इसलिए हमने थोड़ा रवा ज़्यादा लिया है, यानी सेमोलिना ज़्यादा लिया है, तो इसमें वाटर भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और इतनी थिकनेस हमें चाहिए, 4 से 4.5 कप वाटर में इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की चाहिए रखेंगे हम। और इसे बिल्कुल भी रखना नहीं है हमें, सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही इंस्टेंट बन के रेडी होती है। इसे इसी तरीके से साइड पर छोड़ देंगे, और इडली के स्टैंड है उसे ऑयलिंग कर लेंगे, यानी ग्रीस कर लेंगे। और फिर हम आपको एक न्यू टिप्स बताएंगे, जिससे कि पूरी इडली एकदम फूली फूली बनेंगे। तो जो इडली का बैटर जो हमने घोल बनाकर रखा है ना, तो उसे एक छोटे बाउल में लेंगे। लगभग 4 चम्मच हम इडली का बैटर लेंगे, उसमें 1 पिंच सोडा डालेंगे, जो भजिए वाला सोडा होता है ना, जैसे बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा हमें यूज़ करना है। तो हम थोड़े थोड़ा करके बैटर लेंगे और थोड़े थोड़े करके इडली बनाएंगे, जिससे कि आखिरी तक के जो इडली है फूली फूली बनेंगे। हम एक साथ में सोडा डाल देते हैं और फिर थोड़ी थोड़ी करके इडली बनाते हैं ना, तो पहले तो इडली अच्छी तरीके से एकदम फूलती है, लेकिन बाद में जो सोडे का जो है रिएक्शन कम हो जाता है, क्योंकि ये जब हम सोडा डालें तो एकदम रिएक्ट हो जाती है, और फिर रहते रहते इसके बबल्स कम हो जाते हैं। तो हम इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा इडली के बैटर में 1 पिंच जो है सोडा मिक्स करेंगे, और फिर थोड़ी थोड़ी इडली बनाएंगे, ताकि आखिरी तक के एकदम इडली फूली फूली बने। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोटी छोटी इडली बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी वाली नहीं बनाएंगे, क्योंकि मसाले वाली इडली है ना, तो बड़ी बड़ी बना तो अंदर से थोड़ी फीकी फीकी लगती है, तो हम छोटी छोटी बनाएंगे। उसके लिए हम गैस ऑन करेंगे, गैस पर इडली का कुकर रखेंगे, उसमें वाटर डालेंगे, और फिर इडली को पकने के लिए सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी इडली है ना, तो इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ 5 से 7 मिनट में फुल फ्लेम पर हम इडली को बना लेंगे। तो देखिए कैसे यहाँ पर 5 से 7 मिनट हो चुके, तो इडली जो है बहुत ही अच्छी तरीके से फूल कर रेडी हो चुकी है। इसमें एक टूथपेस्ट डालकर भी देखेंगे तो एकदम सूखे निकली, इसका मतलब कि रेडी है। बस इसी तरीके से गरम गरम हम इडली निकाल लेंगे, बिल्कुल ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, एक स्पून की मदद से निकाल लेंगे। और देखिए गाइस कितनी जालीदार बनी है। इस मेथड से आप बनाएंगे ना, तो आखिरी तक की इडली जो है इतनी जालीदार और इतनी सॉफ्ट बनकर रेडी होंगी, और अंदर से भी एकदम जाली वाली बनकर रेडी होंगी। ऐसी नहीं है कि खाली ऊपर से ये फ्लफी और एकदम सॉफ्ट है, अंदर तक की एकदम सॉफ्ट बनकर रेडी होंगी। तो इसी तरीके से हम सारी इडलियाँ बना लेंगे, थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगे। अब यहाँ पर मसाला बनाने के लिए थोड़ी सी वेजेस लेंगे, वेजेस आप आपके पसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हम यहाँ पर थोड़ी सी शिमला मिर्च, पत्ता गोभी कटी हुई, और जो अनियन है कटे हुए, हरी मिर्च को काट कर थोड़ी सी समार काट कर रखेंगे। अब यहाँ पर हमने आधी से ज़्यादा इडली बनाकर रेडी कर ली थी, और आधी हम बाद में बनाएंगे, आप इसका मसाला बनाकर बताएंगे। हमें एकदम चटपटी मसालेदार बनाना है, तो इसके लिए हम गैस ऑन करेंगे। गैस पर एक बड़ा सा बाउल रखेंगे, कढ़ाई रखेंगे, इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, 1 टीस्पून भर के मस्टर्ड लेंगे या राई लेंगे, फिर सफ़ेद ज़ीरा लेंगे 1 टीस्पून। इसे अच्छी तरीके से चटकने देंगे, एक स्पेचुला से इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से चटक जाए। अब इसके अंदर सारे हम वेजेस डाल देंगे, तो पत्ता गोभी डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे, प्याज डालेंगे, और फिर हरी मिर्च डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितनी भी हमें तीखा पसंद हो इस हिसाब से। और इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इसे बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना, या ना हमें बहुत ज़्यादा पकाना है, क्योंकि क्रंची इडली में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है।
इसे अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। इस टाइम पे डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के रेड चिली सॉस। रेड चिली सॉस तीखा फीका आप आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे, 1 टीस्पून विनेगर डालेंगे और फिर हम इसमें क्या करेंगे, टमाटे सॉस डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून और रेड फूड कलर डालेंगे। तो सबसे पहले हम रेड फूड कलर डालेंगे। 1 पिंच डालना ऑप्शनल है, अगर आपको डालना हो तो डाल भी सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब इस टाइम पे 2 टेबल स्पून भर के टमाटे सॉस डालेंगे। अगर टमाटे सॉस आपको ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऐसा होता है ना, किसी को टमाटे सॉस वगैरह थोड़ा ज़्यादा पसंद होता है। तो अब इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम हमने फुल पर ही रखी है, लो फ्लेम पर नहीं रखी। अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कोरिएंडर डालेंगे कटा हुआ और फिर इसमें हमने जो इडली बना कर रखी है ना, तो ये डालेंगे। लगभग आधी इडली जो है हमने इसमें अभी यूज़ कर ली और आधी पकने के बाद में हम बना लेंगे। जब भी आपको अगर एक साथ में बनाना है तो बना भी सकते हैं, वरना आप इडली इस तरीके से बनाकर एक एयर टाइट कंटेनर में रख कर जब भी आपको चटपटा खाने का मन हो तो आप तब भी इस तरीके से मसाला करके बना सकते हैं। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट करके और इसे निकालेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट हमें मिक्स करना है क्योंकि इडली एकदम सॉफ्ट है और ताज़ी है, तो ज़्यादा पकाएंगे तो टूटने का डर होता है। तो एक सर्विंग डिश में हम ले लेंगे और यहाँ पर हमने नारियल की चटनी बनाकर रेडी की। हमने कई बार आपको ये चटनी की रेसिपी दी हुई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसकी रेसिपी दे देंगे, आप जाकर वहाँ पर देख लेना। तो हम आपको एक इडली तोड़कर बताएंगे कि अंदर से कितनी सॉफ्ट और ऊपर से कितनी कलरफुल बनकर रेडी हुई है। आई होप गाइस आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, साइड में जो बेल बटन आता है उसको ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि आने वाले हर अमेजिंग से रेसिपी की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो वॉच करने के लिए शुक्रिया गाइस। तो चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट रेसिपी मिलते, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।